बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आपने देखा होगा कि 2016 से मुसलसल हमने 2018 तक पानी के ऊपर कराची में जहाँ पे शॉर्टेज थी हमने प्रोग्राम किए, और कोई शायद हमने इलाका छोड़ दिया हो ऐसा वैसे मुमकिन तो नहीं है, लेकिन आपने देखा एक मरतबा फिर कराची उस तबाही के दहाने पर आ गया है कि जब जंग ऐसा लगता है कि अगली जो होगी वो पानी के ऊपर होगी, या हम सुनते आए थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो वक्त आ गया है कि जब ये जंग शायद कराची से ही शुरू होगी पानी की। अब ये देखें कि मैं यहाँ पर आई हूँ न्यू कराची 5J में, और यहाँ पर इस वक्त आवाम खवातीन, और ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल आपको मजमा जो है ना ये चिल्लाता हुआ अगर नज़र आ रहा है सिर्फ पानी के लिए, तो समझ लीजिए यहाँ पे पानी की वजह से इतना मसाइल इसके ना मिलने की वजह से, अनअवेलेबिलिटी की वजह से पानी के इस कदर लोग जो हैं वो परेशान हैं कि अपने घरों से जो है वो बाहर आ गए हैं। मैं जानती हूँ कि इस वक्त जो है वो इतना रश नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं माजरत खा होंगी इस वजह से, क्योंकि जब लोगों को आप इतना परेशान करेंगे तो लोग भी फिर जो है ना वो SOPs वगैरह की फिक्र नहीं करेंगे। मैं मजबूर हूँ क्योंकि इस वक्त लोग इतने परेशान हैं, वो कहते हैं कि कोरोना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी का है। और पानी का मसला क्यों ना हो जनाब, पानी का मसला क्यों ना पहला मसला हो इन लोगों के लिए, क्योंकि पानी जुज है इंसान की, एक जानदार की असास है वो। बहरहाल अब आप जरा सुनिए, ये बैनर भी इन्होंने जो है वो एहतजाज के लिए जो थे वो तैयार कर लिए थे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने नुमाइंदे रईस साहब से। रईस भाई, आपने इससे पहले भी हम लोग आपकी मदद लेते रहते हैं, आप मुसलसल जो है वो स्टोरीज जो है वो ब्रेक करते रहते हैं, आज हम जिस वजह से आए हैं मुझे ये बताएं कि सुना है कि 5 महीने से यहाँ पर पानी की ऐसी जो है वो किल्लत है कि ये लोग जो हैं वो अपने घरों से सारे बाहर आ गए। जी साइमा, यहाँ पर जो है ना मैं 3 दिन पहले प्रोग्राम करके गया और आवाम इंतहाई बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि यहाँ पर पानी आ ही नहीं रहा, 4 से 5 माह हो गए। आप यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे दूर दराज इलाकों से पानी भर के लेके आ रहे हैं, और यहाँ टैंकर माफिया 3000 रुपये का टैंकर पर 3000 का इस गरीब इलाके से, गरीब इलाके में यहाँ गरीब आबादी है, और यहाँ पर इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि पानी को खरीदें। लेकिन यहाँ पर मुसलसल आज मेरी एक्सचेंज से भी बात हुई है, एक्सचेंज ने मुझे कहा है कि 3 से 4 दिन लगेंगे इंशाल्लाह पानी इलाके को मिल जाएगा। इससे पहले ये उन्होंने कमिटमेंट कितनी दफ़ा की होगी, इससे पहले कभी एक्सचेंज ने आपसे कमिटमेंट किया ऐसी किया है? मैडम साइमा, बात ये है कि आवाम इस टाइम पर जो है ना भरपूर गुस्से का इजहार कर रही है, क्योंकि इनके इलाके में पानी नहीं है। लिहाजा मेरी सिंध गवर्नमेंट से भी अपने चैनल के तवज्जो से अपील करता हूँ कि इनको पानी फराहम किया जाए, इनके मसाइल को हल किया जाए। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो आप कारकुन भी हैं और मकामी रहनुमा भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप इस इलाके के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो क्या कहेंगे इस वक्त आप अपने इलाके में जो पानी की हालत देख रहे हैं, जो किल्लत नहीं बल्कि फुकदान नहीं बल्कि ये पानी का जो है बहरान यहाँ पे पैदा हो चुका है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका, आपने इतने अहम मौजू के ऊपर जो है अपना प्रोग्राम कर रही है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बात यह कि मैडम यहाँ पर पानी का बहरान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये एक सियासत की नज़र जो है हमारा पानी हो गया है, क्योंकि यहाँ के वालमैन जो है वो सियासत करते हैं और अपने अपने इलाकों के अंदर जो है वो पानी छोड़ते हैं। अभी भी बहुत से इलाकों में पानी आ रहा है, एक गली के उस तरफ पानी आ रहा है, गली के इस तरफ पानी नहीं आ रहा। तो जिसके एक तरफ पानी नहीं आ रहा, क्या उनका कोई ऐसा कसूर है कि उनको प्यासा मार दिया जाए? ये तो जो है बस जो है उनका ये है कि वो अपने काम को सही मानों में और जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, और उसके ऊपर सियासत हो रही है, पानी के ऊपर पूरी सियासत हो रही है। आपकी पार्टी ये सिर्फ तमाशा देख रही है, कर नहीं रही, होल सोल तो इस वक्त वो है, क्या वो सिर्फ तमाशा देख रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है सिंध गवर्नमेंट, वो बदनाम ना होने दे ना, बदनाम ना होने दे। मैं खड़ा हुआ उनका नुमाइंदा, इसीलिए खड़ा हुआ हूँ, आवाम के साथ खड़ा हुआ हूँ, और तकरीबन 1.5 महीने से इनकी जद्दोजहद के अंदर मैं इनके साथ हूँ। सर आपका खड़ा होना और मैं आपकी आपकी मेहरबानी, आप इनके साथ खड़े हो गए, लेकिन खड़ा होना कोई हल नहीं है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त रूल कर रही है ना, उसको पता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है इस इलाके में, हमारे जो हमें नीचे दिखाने के लिए अगर पानी बंद किया जा रहा है, जैसे कि आप कह रहे हैं यहाँ पे सियासत हो रही है, सियासत को नाकाम बना दे, यहाँ पे होल एंड सोल उनके पास पावर है, आए यहाँ पर मेरे हाथ में अगर वो पावर हो और मुझे पता हो कि मुझे बदनाम करने के लिए यहाँ पर जो है वो ये वाली साजिश हो रही है, मैं सारे काम छोड़ के सबसे पहले तो वो साजिश नाकाम बनाने के लिए आऊंगा। बिल्कुल, हम साजिश नाकाम बनाने के लिए हैं, और इंशाल्लाह ताला
हम इस साजिश को नाकाम बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला कैसे बनाएंगे। और इतनी देर क्यों हो गई आपको सियासत में जो है वो जब हो रही है पानी के ऊपर, तो आपको ये नोटिस लेने में इतनी देर क्यों हुई? नोटिस लेने में हमें इसलिए देर हुई जब यहाँ के लोग मेरे पास आए और मेरे पास इन्होंने बताया कि हमारे साथ ये जो है सूरत हाल है, मैं फौरी तौर पर उनके जो काम के सिलसिले में निकला। 5 महीने से नहीं है, रमजानों से जो ये मसला इनको पैदा हुआ है, इन लोगों ने ये बताया नहीं। कहाँ से? रमजान से हुआ है। 5 महीने से ये टाइम हो गया, हमारे बच्चे पानी से तरस रहे हैं। 5 महीने से हो गया ना? ये यहाँ के जो नुमाइंदे थे, चेयरमैन वगैरह जो चेयरमैन थे यहाँ पर, उन्होंने जो है पानी के मसले के ऊपर कोई काम नहीं किया और उन्होंने कनेक्शन जो है यहाँ पर जो है पैसों से बेचे हैं और पानी के ऊपर माफिया काम कर रही है और अभी तक के उनके जो है चुंगल में है ये जो है वाटर बोर्ड। अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके चुंगल से निकालने की इस वाटर बोर्ड को, इंशाल्लाह ताला आवाम के जो है ताकत से और हम अपनी ताकत लगाते हुए इंशाल्लाह ताला उनके चुंगल से जो है ये निकालेंगे, इस माफिया को भगाएंगे यहाँ से। मेरे अगर आपको एक एक पॉइंट पता है ना कि ये इस तरीके से यहाँ से वहाँ से साजिश हुई, उसने ये किया है वाटर बोर्ड से, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से हुआ है और यहाँ से एक्सीएन को साथ मिलाया गया है, वट एवर जो भी आप पूरी बात बता रहे हैं बिल्कुल यही होगा। लेकिन बात फिर वही वाली आती है ना कि आपको जब पता है सब कुछ कि ये ऐसे हो रहा है तो वैसे क्यों नहीं रोक देते आप? मैडम पीत, आपको पता है कि 35 साल का जो ये जो ताकतवर एक माफिया बैठी हुई है उसको तोड़ना 35 दिन के लिए जो है किसी का भी काम नहीं है। 35 साल से जो माशाल्लाह से आप इतने प्रोग्राम करती हैं और सारे प्रोग्राम आपने जो है अपने जो वहाँ पर हासिल नहीं करी है, अदब हासिल नहीं कराया आपने। हम भी देखते हैं कि आप प्रोग्राम करती हैं, हम भी शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। ओ भाई, मेरे हाथ में ना ये सिर्फ ये आपकी अपनी आवाज़ जो है ना, आवाम की आवाज़ ये ऊपर तक पहुंचाने का है, इसमें 100% अल्लाह का शुक्र है कामयाब होते हैं। कहीं से भी आप जाके मालूम कर लें। मैडम मैं यही कह रहा हूँ नहीं 100% मैं आपको बता रही हूँ, मेरा काम अगर ये है, लेकिन अहदाफ की आप बात कर रहे हैं ना, हमारा हदफ ही कुल ये है कि जहाँ पर यह आवाज़ नहीं जाती आवाम की, वहाँ तक हम इस आवाज़ को लेकर जाए। बिल्कुल हम सराहते हैं आपके काम को, बिल्कुल हम सराहते हैं और 21 के काम को हम सराहते हैं। आप हमें रोडों पर नजर आती हो, आवाम में नजर आती हो और आवाम के इशू के ऊपर आप बात करती हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने कहा है कि हमें मालूम है कि साजिश कर रहे हैं पानी के ऊपर, हमें नीचा दिखाने के लिए, पीपल्स पार्टी की काट करने के लिए। ये कह रहे हैं कि रमजान से जो है पानी का मसला है, आप कह रहे हैं 5 महीने से ये मसला है, क्या कहेंगे आप? 5 महीने से ये मसला है, अब कोई साजिश कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारा क्या कसूर है? हम तो इसमें लपेटे में आ गए ना, आप अपनी साजिश रचा रहे हैं, वो अपनी साजिश रचा रहे हैं, बीच में आवाम फंसी हुई है। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं, जिंदा बच के नहीं आते। मैं अपना पोता मार के लेकर आई हूँ, मैंने जिस तरीके से अपने बच्चे को उठाया ये मैं जानती हूँ, और आज भी न्यास के लिए आई हूँ मैं, और मेरे घर में पानी नहीं है, मैंने अभी 150 रुपये का पानी मंगा के। आपके आपके नवासे की पोते का इंतकाल कैसे हुआ था? वो जल गया था, पानी नहीं था घर के अंदर हमारे, है एक कतरा पानी नहीं, हमारे कितनी परेशानी हो रही है हमें पता है, किराए का घर है फिर भी हमें पानी नहीं मिला, खारा पानी से। अगर आपके पानी उस वक्त आपके घर पे होता तो बच्चा बच जाता? बच्चा नहीं बचता, मगर थोड़ा बहुत तो जो मेरी बहू के हाथ में आता वो कुछ तो करती, मगर पीने तक का पानी नहीं था हमारे कूलर में, हमारे बच्चे पानी से तरस रहे। आप चले मेरे घर में देखें चल के, अभी भी 150 रुपये का पानी रख कर आई हूँ मैं लेकर। इन लोगों की साजिश में हमारा क्या कसूर है? हमारे बच्चे फंस रहे हैं, हमारे बच्चे दानों में भर गए, खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा क्या कसूर है? हम अपने बच्चों को कब्रों में सुला सुला के आ रहे हैं, आप जवाब दें मुझे कि हमारा क्या कसूर है? आपकी सियासत की लड़ाई है तो हमारा क्या कसूर है जो हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं बीच में, हमारा कोई कसूर है? आप बताएं ना, आप दें जवाब मुझे कि हमारा क्या कसूर है? आप मुझे बोलेंगे मैं कहीं भी जाके बयान देने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं डरती, क्यों? मैंने अपना बच्चा खोया है तो मेरा दिल फटा हुआ है। पानी, आग, हवा, ये 3 चीज़ों से बंदा जिंदा रहता है, एक टाइम नहीं खाएगा, दूसरे टाइम नहीं खाएगा, तीसरे टाइम खा लेगा जैसे भी होगा, मगर क्या कि देने वाला रब है, वो एक टाइम बिठाएगा, दो टाइम बिठाएगा, तीसरे टाइम रिजक जरूर देगा। आपने तो हमें 5 महीने से मारा हुआ है, 5 महीने से पानी हमें नहीं मिल रहा है, आप बताएं ना। देखिए, इस माँ को, इस दादी को जिसने अपने बच्चे को इस वजह से मरते हुए देखा कि जल गया, उसको आखिरी वक्त में पानी तक जो था उसके ऊपर छिड़कने के लिए और उसको पिलाने तक के लिए नहीं रहा, इसके दिल के अंदर ना ये बात जो है ना ये मरते दम तक नहीं जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। कोई
अल्फाज हैं आपको इसका ये जो दुख है इसको कम करने के लिए आपके पास है कोई उजर? नहीं, मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है और बड़े दुख का जो घड़ी है ये जो इन्होंने अपनी जो है बयान किया है और हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, दुआई कर सकते हैं। और आप देख रही हैं मैडम, आपको पता है कराची के सारे माहौल का, आपको हर चीज़ का इलम है कि यहाँ पर जो है किस तरह से मैडम जो है सियासत, मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से इल्म है कि यहाँ पर कैसे जो है ना वो अवाम के ऊपर सियासत की जाती है। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से जो है वो अवाम को खुद्दे लाइन लगाया हुआ है कि ये अगर इनका बच्चा मर रहा है, ये खुद प्यासे मर रहे हैं, ये गंदगी के अंदर रह रहे हैं, हमारे अपने मामला सेट होने चाहिए, हमारा जो है ना वो आवाम से कोई लेना देना नहीं है। मुझसे कोई ये ना पूछे कि ये जो है वो आप जानती है नहीं जानती, मैं जितना जानती हूँ ना मैं ये सब जान चुकी हूँ कि हमारा ना आम आवाम का खुदा की कसम अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं है इस मुल्क में। नहीं, मैं मेरी जो इस मामले में जो है नासिर हुसैन शाह से मुलाकात हुई है, उन्होंने बिल्कुल जो है HCN को बोला है और जो है आला हुकाम को वाटर बोर्ड के बोला है कि ये मोहम्मद अली साहब आएंगे अपने इलाके के मसाइल लेकर आपको फौरी ये देखो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है, हमारा रसूल जानता है कि हम खुद इस अवाम के 50 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरे जनाजे यहीं दफन है, मुझे भी पानी का प्रॉब्लम है, मैं भी जो है पानी के प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं इस अवाम के साथ हूँ और जब तक कि इनको पानी नहीं मिलेगा मैं भी चैन की ज़िंदगी नहीं गुजारूँगा यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से मैं जब ये मुझे पुकारेंगे मैं हाजिर हूँ। कायम रहिएगा, आप कितने दिन में ये काम करवाएंगे? जल्द से जल्द मैं एक हफ्ते के अंदर आपका ये काम करवा दूंगा, कोशिश करूंगा। हम ये काम करा दिया तो हमें शाना बशाना पाएंगे और अगर ये काम नहीं हुआ हम रोडों पे क्या, हम हर जगह निकल जाएंगे। कोशिश करूंगा मैडम कि इनको 2-3 दिन के अंदर ये मसला मैं हल करवा दूं। काश के आपने ये वाली फुर्ती उस वक्त दिखाई होती जिस वक्त इनका बच्चा मर रहा था ना, इनके घर में पानी होता ना तो वो बच्चे को कम से कम, और बचता ना वो भले बचता ना अगर वो इतना जल गया था, लेकिन कम से कम मरते वक्त उसके दादी के दिल में ये जो बात है, उसकी माँ के दिल में और उसके बाप के दिल में ये बात रह जाएगी ना कि उसको आखिरी वक्त में हमारे घर में कूलर में पानी तक नहीं था कि उस बच्चे के मुंह में हम डाल सकते हैं आखिरी वक्त में, ये वाला कलक कभी नहीं जाता। बहुत देर की मेहरबा आते आते अगर अब 1 हफ्ते 10 दिन के बाद अगर हो भी रहा है यह काम तो यहाँ पर अब तक बहुत नुकसान हो चुका है। छोटी सी ग्रुप ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद खुशामदीद। भाई आपके हाथ में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नाम कुछ जो है दरख्वास्तें हैं, बल्कि अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये 50 रुपए का जो है वो ये फॉर्म है और इसको इन्होंने पकड़ा हुआ है, क्या इसके लिए क्या डिमांड कर रहे हैं आप? हम वाटर बोर्ड से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे मसले हल किए जाएँ। हमने लेटर एड के ऊपर अपना इसके ऊपर स्टाम्प के ऊपर ये एग्रीमेंट बनाया है जिससे और दीगर इलाकों को इसके ऊपर अप्रूवल मिली है। हम कह रहे हैं कि ना हमें 1 रुपया चाहिए ना 1 लाख रुपये चाहिए, सिर्फ हमें अप्रूवल चाहिए कि अप्रूवल हमें दी जाए। हम उसके ऊपर 5G में काम करना चाहते हैं, हम 5G के रिहायशी हैं, हमारा 5G पानी से मुतारिस है, वो सामने से हमारे पानी जा रहा है और हमें 5G को पानी नहीं मिल रहा। ये मेरी माए बहनें आई हुई हैं 5G से, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसका मसला हल किया जाए बराए मेहरबानी। माँ जी, इन्होंने तो मुझे हिला के रख दिया, जब इन्होंने अपना वाकया मुझे बताया ना इन्होंने तो हिला के रख दिया। सही बताया इन्होंने वाकया, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि 5G में पानी क्यों बंद किया गया, किस महीने से, किसके 6 महीने हो गए पानी क्यों बंद किया जा रहा है? भाई का मसला तुम लोग का आपस का, तुम लड़ो मरो, पानी तो छोड़ो। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ गए, बोरिंग का करवाई, बोरिंग कितनी खतरनाक ली है, जहर वाला पानी है। अभी लोगों का खाने में सिर्फ 3000 का टैंकर है। ये माफिया वालों को चाहिए ना गवर्नमेंट को कि माफिया वालों को रोके, पानी रोके इधर, पानी इधर थे 5G में क्यों बंद किया गया? यहाँ से भी वाल, वहाँ से 8 तरफ से वाल, हम 8 दफा होकर आ चुके हैं टाउन के अंदर और ऐसी बेइज्जती करते हैं। ये नासिर
जो इसने ऐसे गंदी गाली बके सुनाई है अभी औरतों को। रात को हम औरतें गई हैं सारी, ऐसी गंदी गंदी गाली बके। इसके आगे माँ बहन नहीं है, हम भी माँ बहन वाले हैं, हम भी किसी की माँ बहन है। यानी कि आप जब एक्सीडेंट किए, हाँ अभी हम लोग गए एक्सीडेंट कराम के नासिर नाम है उसका, रिहान नाम है उसका, मस्जिद तला मस्जिद के सामने घर है। ये बताएं कि बाकी खवातीन इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि एक्सीएन ने गालियां देता है, बदतमीजी करता है। सही है मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। जाओ तो वो दरवाजे पर नहीं आते, उनके वाइफ आती है, वो ये बात कहती है कि नहीं हस्बैंड उन्होंने ये काम छोड़ दिया। जब जब काम छोड़ दिया तो गवर्नमेंट दे रखा है किसी का काम छुट्टा मुझे अभी आता है। जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होती जब तक ऐसा नहीं होता। रही बात गवर्नमेंट की, तो टैक्स वो हमसे हर चीज के ले रही है, तो किस बात का टैक्स ले रही गवर्नमेंट? तरमीन नाम है उसका, गंदी गंदी गालियाँ। क्या माँ बहनों की हम इसलाएंगे क्या? हम भी तो फैट जेब में रहते हैं। आप K21 के नुमाइंदे हैं मकामी, आप रिजविया से लेकर यहाँ तक आप हर मामले को जो है आपने देखा हुआ है। ये वाकई में बात दुरुस्त है कि वो बंदा जो है रेहान तनवीर जो है एक्सीएन जो है, अब उसके कोई शिकायत है कि उसके ऑफिस में जा रहे हैं तो वो गालियाँ कैसे दे रहा है? बिल्कुल मैडम, ऐसी बात है। इलाका मकीन का कहना था कि यहाँ पर जो कुछ अनासिर लोग हैं जो यहाँ पर पानी पर माफिया का काम कर रहे हैं, 25 से 30 हज़ार और 50 हज़ार रुपये के लगभग में इनको कनेक्शन बेचे जाते हैं, और कुछ उसके अंदर वाटर बोर्ड के अफसरान मुलव्वज़ हैं, और कुछ यहाँ पर जो सियासी तंजीमें उनके कारकुनान और जिम्मेदार उसमें इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात, फिर इलाके मकीन से पता चला कि ये ख़वातीन है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई वालमैन है, नासिर नामी बंदा है, जिनके घर पे ये गए, जो इनको गालियों से नवाजता है, और उनकी वाइफ इनको धक्के देके भगाती है। ये अपने हक के लिए जाते हैं, उनसे टाइम लेने जाते हैं कि हमारा इलाके का किस टाइम वाल खुलेगा पानी का, तो वो इन्हें सिर्फ गालियों से नवाजा जाता है, और इतनी ख़तरनाक गालियाँ होती हैं कि शायद ही कोई सुन पाए। अभी मुझे बताया इन लोगों ने कि मुझे बड़ा एक अफसोस हुआ, तो इस वजह से हमने आपको कॉल की, बुलाया आपको। बहुत अच्छा किया आपने मुझे कॉल की मोहम्मद अली साहब। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो कम से कम इस एक्सीडेंट को तो कोई जो है वो इसका तो कोई जो एक्सीडेंट का तो कोई बंदोबस्त किया जा सकता है ना? इंशाल्लाह ताला मैं इसका बंदोबस्त कर रहा हूँ और मैं करके रहूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। और जो जो इनका काम है, ये जो इन्होंने स्टाम्प पेपर के ऊपर ये काम है, ये सब मैंने इनसे बोला, मैं उससे जो कॉपरेट में रबते में रहें, और इंशाल्लाह ताला मैं इन तमाम लोगों के काम कराऊंगा। और ये रेहान एक्सीएन बड़ा जो है ये लोगों को चुरंगियाँ घुमाता है, ये काम नहीं करता, काम नहीं करता, ये काम नहीं करता। आखिरी जामा मस्जिद के उस ब्लाक से लेके 156 ब्लाक से लेके 162 ब्लाक तक पानी नहीं पहुंच रहा है, यहाँ तक पानी सिलेंदर तक पहुंच रहा है, बहुत परेशानी है यहाँ पर, लिहाजा इसके लिए आप लोग कुछ करें। माँ जी सुने के पानी के लिए जिस वक्त एक तो पानी आ नहीं रहा, और जब शिकायत लेकर एक्सीएन के ऑफिस जाते हैं तो सुना है कि वो भी आके बदतमीजी करता है। 6 महीने हो गए पूरे पानी का कतरा नहीं आ रहा है, इतने परेशान हैं, बीमार आदमी हैं, कैसे भरें नहीं दे रहे, कैसे भरें? 35-35 हज़ार रुपए लेके लाइनें डाल रहे हैं, और फिर 2-4 महीने चलती फिर बंद हो जाती हैं। उसके लिए पैसे लेते हैं आपसे? जी बिल्कुल पैसे लिए हैं, लाइनों में डाले, मैंने नहीं दिए लेकिन हमारी लाइन में डाले। हम तो बहुत परेशान है, बाजार से 1100 की टंकियां डलवा रहे हैं। जी आप ये बताएं कि पानी ना आने की वजह से क्या बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हो, क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो? बोरिंग कुएं का आप हमें देखे नमक है क्या, हमारा नमक पीने का ला रहे हैं यार, आपको निशाना नजर, ये सारे खारे पानी के निशाना थे, किस कदर खारी से जब खुजाओ ना हाथों में एलर्जी के दाने निकल कर आ जाते हैं। बच्चों को आप देखें, छोटे छोटे बच्चे पूरे दानों में भरे पड़े, इतना ज्यादा नमक वाला पानी है। अगर हम बोरिंग वाला भी इस्तेमाल कर रही है, छोटी टंकी 1100 की आ रही है, और रहना कैन आ रहा है 25 रुपए का, 6 मंगाते हैं 150 रुपए हो जाते हैं, खाएं या पानी बने, इस कदर जिंदगी हराम हो गई, कभी पहले नहीं था ये अब हुआ है। अच्छा, ये 6 महीने से बिल्कुल बंद किया है, पहले पानी बहुत था, वाल बंद करा हुआ और किसी ने नहीं, वहाँ ये वाल बहन ने बंद करा, आगे पानी आ रहा है, उस गली में पानी आ रहा है, हमारी लैंड में आगे पानी नहीं पहुँच रहा, समझे? आप उससे बोले वो पूरा चाबी खोले वाल की, पानी हमारे इलाके में आ जाएगा। 25 रमजान तक पानी आता था, अब अचानक ऐसा क्या हो गया है जो पानी? माँ जी आप कुछ कहना चाह रही थी, पानी ना होने की वजह से पानी का इंतजाम क्या किया हुआ? मैडम बात सुने, हमारे यहाँ पता क्या दस्तूर है, 4 साल पानी बिल्कुल नहीं आया,
बंद कर दी, सुने। उसके बाद हमने 50-50 हज़ार की लाइन दी, उसमें 2 साल पानी आया। उसके बाद अब 4-5 महीने से बिल्कुल पानी बंद है। हमारी लाइन काट के किसी को दे देते, किसी की लाइन काट के किसी को दे देते, और यहाँ इतनी बेरहमी से बात की जाती है। और एक कहाँ पर वाले नासरा के पास, एक काले स्कूल के ऊपर वाले, एक हमारे खयाम पे वाल लगाए। जब हमारे बच्चे गए तो हमारे बच्चों को पुलिस से पकड़वा के इतनी बेदर्दी। एक्सीएन के ऑफिस गए थे जी? एक्सीएन? हाँ भाई, ये सुना इधर हो गया। ये मुझे बताए कि ये जो एक्सीएन है, एक्सीएन जो है वो वाकई में अगर उनके पास शिकायत लेके जाए तो वो आगे से गालियां देना शुरू कर देंगे। जी ऐसे ही है, हम लोग लेके गए, आवाम को कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। हमने इतनी सारी एप्लीकेशन बना ली, हम बोल रहे सिर्फ हमें अप्रूवल दे दो, हम आपसे फंड नहीं मांग रहे, हम अपना फंड लगाएंगे, अपने पैसे लगा के काम कराएंगे, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे, लेकिन हमें काम करने नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं दे रहे। 3 से 4 दफा हम लोग जा चुके हैं उनके पास, आवाम को लेके जाते हैं, वो आवाम से बदतमीजी करते हैं, बोलते हैं बिल लेके आए, ये लेके आए, आपके इलाके का काम नहीं होगा, हमारे इलाके के सामने इलाका वहाँ का अप्रूवल दे दें, खुद खड़े होकर काम करा दें। हमारे चारों कोनों पर पानी है, सिर्फ हमारी लाइन मिलाई जाए और ये मिलाने नहीं दे रहे। हम बोले सिर्फ हमें अप्रूवल दे दो, हमें अपनी लाइन मिलानी है, ये किसी चीज़ की हमें परमिशन नहीं दे रहे बिल्कुल। भाई आप क्या कहना चाहोगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा, अभी 4 से 5 दिन पहले मैंने एक खड्डा करवाया था, सिर्फ लोगों की परेशानी की नहीं है कि लाइनें क्लियर हो जाएंगी, चाक हुई हुई है, ठीक है। तो उसके ऊपर 2-3-4 वाटर बोर्ड के मुलाजिम आ चुके हैं और आगे बदतमीजी कर रहे हैं, और लाइनें 40-40-50-50 हज़ार रुपये की लाइनें बिक्री हैं। सेक्टर 5 जे में आप बात करें तो मैं आगे तक जानता हूँ लोगों को, जो लोग बेच रहे हैं। सबसे पहले नासी तंजमी, जिसने पानी काटा हुआ है लोगों का, ये औरतें खड़ी हैं, आप मालूम करें। सबसे पहले नासी तंजमी, जिसने लोगों का पानी काटा हुआ है, और जमील अख्तर, ठीक है। लोग इनको पानी का बोलते हैं तो ये उनसे पैसों की बात करते हैं। नाम दोबारा बताओ इन शहजादों का। तनवीर नाम है, पैसों के ऊपर करते हैं, किसी के घर में खाने को नहीं है, इनको 50-50 हज़ार रुपए कनेक्शन की चाहिए। अब आप बताएं मुझे कहाँ से दें इनको 50? दोबारा नाम बताओ, एक दफा फिर से बताओ, जिसको नहीं सुनाई दिया वो भी बताओ। ये अम्मा बताएंगी, दोबारा बताए नाम। तनवीर नाम है उसका, जब तनवीर, और वही है, हमें तो उसी बंदे को जानते हैं, उसके घर हम बार बार गए, उस बंदे ने हमारी नहीं सुनी। और अभी भी मेरी यकीन जाने पीछे एक रहती है रिश्तेदार, उन्होंने 50 हज़ार रुपए के अभी लाइन के लिए पैसे दिए, मैं 25 हज़ार वो लेके गया बंदा, वो खुदाई करेगा, लाइन डलेगे 25 हज़ार। तनवीर नाम है या रेहान तनवीर नाम है? जो इस माफिया को जो देख रहा है ना, पानी की लाइनों को जो देख रहा है, वो नासिक तनवीर है। हालांकि उसका कोई यहाँ से लेना देना नहीं है, वो अले मंडी। रेहान तनवीर कौन है? रेहान वो एक्सचेंज है यहाँ का। जी हाँ, मगर खान तनवीर और नासिर तनवीर, नासिर तनवीर और रेहान तनवीर, जो इस तमाम पानी के क्राइसिस के पीछे जो कार फरमा है। मैं असदुल्ला साहब, एमडी वाटर बोर्ड, मैं आपसे मुखातिब हूँ। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे मुखातिब हूँ। सर ये आपको बता रहे हैं, ये आप प्रोग्राम तो देख ही रहे होंगे इस वक्त अच्छे तरीके से, हमें पता है आप प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, इसी वक्त एक्शन ले लें, वरना खुदा ना खास्ता इनसे कहिएगा, ये जो तनवीर, दोनों तनवीर बरादरान है, रेहान तनवीर और दूसरे कौन से बताया था आपने, नासिर तनवीर साहब, अगर हम पीछे पड़ गए ना कराची की आवाज़ वाले आपके पीछे, तो आपको बड़ा लेने का देना पड़ जाएगा। आप लोगों को बेहतर होगा सीधी तरह यहाँ पे पानी की, जो आपने इसको क्राइसिस को जन्म दिया हुआ है, अब बस पानी दे दीजिए, बेहतर होगा इससे पहले कि हम हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएं। बहरहाल एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। के बाद खुशामदीद, वक्फे में क्या हुआ कि यहाँ पर जो सब इंजीनियर साहब थे, जमील साहब, वो यहाँ पर आए और जैसे इन्होंने मुझे देखा, पेशतर इसके कि हम उन तक पहुँचते और बात करते, जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं ना, इस तरीके से जमील साहब ने वो उल्टे पांव दौड़े और ऐसे दौड़े कि मेरे मतलब पकड़ते पकड़ते लोगों के जो था, नहीं नहीं ये मतलब वो भागे सिर्फ इस वजह से कि कहीं हम उनसे बात ना कर लें। नासिर तनवीर, रेहान तनवीर, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, अभी भी वक्त है, पानी खोल दें यहाँ का। ये जो पानी के ऊपर आपके और आपकी तरफ से जो ये बदतमीजी आवाम के साथ हो रही है, जब आपके पास जा रहे हैं शिकायत लेकर, जिस तरीके से आप आवाम के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं ना,
आप डरे उस वक्त से कि ये किसी दिन हमने अपने अगर आज हमने सर बड़े आराम से आपको बताया कि अभी भी वक्त है ये खोल दें, ये पानी के ऊपर सियासतें मत करें, ये पानी के ऊपर करप्शन मत करें, किसी चीज़ के ऊपर भी कर लो इस पर ना करो यार, और अगर करनी है ना तो फिर आज से आपकी और हमारी फिर इस सेक्टर में जो भी प्रोग्राम साइमा कंवल करेगी ना आपका नाम लेकर करेगी। ता वक्त है कि आपको आपकी जगह से हटा ना दिया जाए और कोई सही वाला बंदा ना लाया जाए, तब तक आपको पता है कि अगर हम भी अगर पीछे पड़ जाएं तो फिर बहुत बुरे तरीके से पीछे पड़ते हैं, आवाम की खातिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। माँ जी सॉरी आपसे तो मेरी बात हुई थी, आप मुझे ये बताइएगा, इन माँ जी ने मुझे ये बताया है कि भाई यहाँ पे तो बेटा हम लोग एक्सीएन के ऑफिस में पानी 6 महीने से आ नहीं रहा है, जब जाते हैं शिकायत लेकर तो वो बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, सबसे पहले तो इस बात की तस्दीक या तरदीद कर दें कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। जी हाँ होता है, बहुत बदतमीज़ी करते हैं, गालियों से बात करते हैं, पानी के लिए बात ही नहीं करते हैं, सीधे मुँह बिल्कुल झाड़ देते हैं बिल्कुल। ठीक है हाँ, ये बताएं कैमरे की तरफ देखकर मेरी भाई आप ये मुझे बताएं कि पानी तो आ नहीं रहा है, सुना है कि जो बोरिंग का पानी है वो इतना खारा है कि औरतों ने मुझे अपने हाथ दिखाए हैं गल गए, एलर्जी हो गई। हाँ सही बात है, हाथ गल गए, पानी नहीं होता है तो पैसे नहीं है आवाम के पास, गरीब के पास पैसे होते हैं तो पानी नहीं यहाँ मिलता, क्या करें, हर तरह से परेशान करके रखा हुआ है आवाम को, अब बताएं आवाम गरीब कहाँ जाए। माँ जी आप तो इस एज में है कि मैं आपसे ये बड़ी एक इल्तमास कर सकती हूँ कि बस इस चीज़ की सबसे पहले तरदीद या तस्दीक कर दें कि एक्सीएन के ऑफिस में जब जाते हैं शिकायत लेके तो सबसे पहले मुझे तस्दीक या तरदीद कीजिएगा बदतमीज़ी वाकई होती है या नहीं होती। जी होती है बेटा, पानी के सिलसिले में जाते कोई कह रहा है यहाँ जाओ, कोई कह रहा है ऑफिस ऑफिस घुमा रहे, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा है बेटा। अब जो खारा पानी भरते हैं उससे एलर्जी हो जाती है बच्चों को, अब खारा पानी भी कब तक पिएंगे बेटा, उसको भी भर के फ्रिज में रख के ठंडा करके पीते, क्या करें बेटा, पानी के बगैर गुजारा नहीं है, और ख़ास करके गर्मियों में पानी का ये मसला ख़राब होता है। आप दे रहे हो तो दे दो पानी भाई, अल्लाह आपका भला करे, हम टैंकर मंगा के खाए या रोटियां खाए ये बताओ, एक डैम टैंकर मंगाओ 5,000 रुपया ले लेते और ना ही पानी दे रहे, टैंकर भी जब पैसे होंगे तो मंगवाएंगे वरना कहाँ से मंगवाएंगे बेटा, इतनी तो महंगाई है, या पेट भर लो या टैंकर मंगा के पानी पी लो, अब ये कर ले कि भाई पानी से ही पेट भर ले बेटा, बंदा क्या करेगा गरीब आदमी। आप माजी मैं रोजगार है ही नहीं, हाँ। रोजगार है ही नहीं बेटा, बेरोजगार बच्चे भी मियाँ भी क्या करेंगे, कब तक ये पानी पीते रहेंगे, ये पानी पी पी कर पेट खराब हो गया बेटा। माजी पानी तो आ नहीं रहा 6 महीने से, क्या कर रहे हैं फिर पानी का इंतजाम क्या कर रहे हैं बेटा, बहुत हार्ट का मरीज है, पंप चला चला के हार्ट में दर्द हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं खारे पानी से, हमारे 15 दिन पहले हमारे गली में मैयत हुई है, यकीन मानेंगे बोरिंग के पानी से उनको गुसल दिया, पूरी लात पूरी सुना है कि बोरिंग का पानी इतना कड़वा है कि औरतों ने मुझे अपने हाथ दिखाए वो गल रहे हैं, गल रहे हैं ऐसे बच्चों को खारिश हो रही इतनी है, क्या करें, मेरा बच्चा गरीब बंदा है, रोज़ का कुआं खोदते हैं रोज़ का पानी पीते हैं, अब कमाएंगे पानी के टैंकर लेंगे या हम खाना खाएंगे, क्या करेंगे आप बताओ। रोज़ाना की आप लोग वो अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये वो वाला इलाका है जो डेली वेजेस पे काम करता है, रोज़ाना कुआं खोदो रोज़ाना पानी निकालो, और वरना जिस दिन कुआं नहीं खोदेगा यानी कि जिस दिन आप रोज़ी के लिए नहीं जाओगे ना उस दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अब उस हालत में आप मुझे बता दें कि ये खाना खाएंगे, बच्चों को पालेंगे, ज़िंदगी अपनी चलाएंगे या फिर पानी के ऊपर खर्चा लगाएंगे, खाएंगे या पानी के ऊपर लगाएंगे, ये सोच रहे हैं आप। हाँ मेरा बच्चा यही हमारी है, देखो हम मुतहदा वालों के पास गए, पीपल्स पार्टी वालों के साथ सबके साथ बोले, किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं की, अभी आखिरी हाल आप हमें पानी दे रहे हो तो मेहरबानी है आपकी, क्या कहेंगे आपके घर में भी पानी का यही मसला? बिल्कुल नहीं, 3 महीने हो गए तो सभी पानी, बच्चे कामों पे से आते हैं तो पानी लेके आते हैं, हाथों में एलर्जी हो गई है, बिल इतने इतने भेज देते हैं, बत्तियों के 8,000 का बिल, गैस का भी ज़्यादा, अब ये बताओ गरीब आदमी खाएगा या बच्चों को पाले या क्या करे, इतने इतने से बच्चे पानी सारा दिन गर्मी में लाते हैं, खारा भी नहीं मिलता। माँ जी पानी का इंतज़ाम कैसे करते हैं आप लोग? बेटा हम तो मोर ला के पीते हैं, एक गिलास की प्यास है आधा गिलास पी के बुझाते हैं, बहुत परेशान हैं हम पानी से, पेट भरें या पानी खरीदें, बहुत परेशान हैं हम पानी से भाई, हमें एक गिलास की प्यास है, हम आधा गिलास पी के अपनी प्यास बुझाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका भी पानी का यही मसला है, आपको भी इसी तरीके से शिकायत है, एक्सीएन के ऑफिस में जाते हैं पानी की शिकायत लेके तो बजाय आप सुनने के वो बेइज्जत करते हैं। जी बिल्कुल,
और ये बच्चा है मेरा सिर्फ भरने वाला, इनके पापा यहाँ पे नहीं होते, पंजाब की साइड है, लेकिन ये बच्चा पानी भर सकता है, आप खुद बताएं। इससे बड़ी बेटी है मेरी, उसके मुँह में छाले पड़े हुए पूरे मुँह में, बोरिंग का पानी पीने की वजह से, बोरिंग का पानी की वजह से ना बच्चों के खारिश हो गई है, इतना खराब पानी, और बोरिंग का भी अब तो जमीन खुशक हो गई, कब तक बोरिंग में पानी आएगा, क्या कहेंगी बाजी? बोरिंग में पानी नहीं है, और है भी तो 10 मिनट पानी आता है, फिर नहीं आता, फिर आधे घंटे एक घंटे बंद करो, फिर एक गिलास आएगा, इस तरह का पानी आ गया है। मुझे बताएं कि पानी के इस जो आप लोग मोल ले रहे हैं पानी, यानी कि कीमत अदा कर रहे हैं पानी की, जो आपको अदा नहीं वैसी करनी चाहिए, उस पानी का खर्चा महीने के आखिर में तकरीबन कितना बन रहा है? 10-12 हज़ार बन जाएगा आराम से, 10-12 हज़ार बन जा रहा है, जो तनख्वाह सुबह से हम जेंट्स हमारे शोहर भी कमाते हैं और हम खुद भी काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जब शाम को घर आते हैं तो फिर पानी की लाइनों में लग जाते हैं पानी खरीदने के लिए, रोज़ डलवानी पड़ती है 1100 की 1200 की टंकी, तो कुछ भी वो क्या वो थोड़ी सी देर में ख़त्म हो जाती है, काम कपड़े वपड़े तो ख़त्म, 10-12 हज़ार रुपये महीने का पानी खर्च कर देंगे तो खाएंगे। प्लीज़ मेरी बात सुनिए, यकीन करें, तीसरी मंजिल पर 57 साल उम्र है, पैर उठा के ऊपर जाने पड़ते हैं, अब ये देख लें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यासे, गर्मी इतनी, लाइटें जा रही हैं, क्या करें हम, ये बताए, इतने मजबूर हैं, इतने परेशान हैं, बता नहीं सकता। आज एक्सीएन के ऑफिस कभी जाना हुआ? नहीं, कभी नहीं जाना हुआ। आप नज़र आए, हमने कहा मेहरबानी है यार, ये आ गए हमारे इलाके में, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। मैं प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले अपने इन दोनों नुमाइंदगान मेरे कहाँ पे हैं, एक तो रईस भाई आप हैं और दूसरे मैं आपको जिम्मेदार बना रही हूँ, क्योंकि आप इस इलाके से हमें रिपोर्ट करते हैं। रईस भाई, आखिरी हद तक जाना है इस इलाके में पानी लेके आने के लिए, आपको कुछ भी अगर करना पड़ता है, आपको एमडी वाटर बोर्ड को लाइनअप करना पड़ता है, आपको एक्सीएन को अगर उसके ऑफिस जाकर अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ रही है तो भी आपने हमें बताना है, ये मामला हल होना चाहिए। इन्होंने तो खैर कहा है 10 दिन का, लेकिन मुझे जाहिर है कि उन्होंने सिर्फ कहा है, हमें करना है। आप दोनों की मैं जिम्मेदारी जो है वो, चूंकि आप दोनों मेरे इस K21 के नुमाइंदे हैं, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पता है कि मैं आपके जिम्मे अगर ये काम दूंगी ना, तो मैं यहाँ से मुझे यकीन होगा कि मेरे नुमाइंदे जो है ना वो यहाँ पे करें। कोई अपडेट यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए, और कोई जो है ना यहाँ पर जब तक के पानी वापस आ ना जाए इनके नलकों में, उस वक्त तक आपने और हमने चैन से नहीं बैठना इंशाल्लाह। जी साइमा, मैं कल एक्सीएन से मुलाकात भी करूंगा, और उसके अलावा MNA MPA से भी रابطे करता हूँ। जिधर आपको मेरी मदद की या कराची की आवाज़ की मदद की ज़रूरत होगी, एक मिनट आपने लगाना है हमसे रابطा कर लेना। जी बिल्कुल साइमा, आप भी बिल्कुल रابطे में जो है इन लोगों से भी रखिएगा, और इसके अलावा इस मसले को हल करवाने के लिए ये देखिए कि एक यहाँ पर जो औरतों की आहोबका, खासतौर पे एक औरत ने बताया ना कि उसके घर से बच्चा जो है जल के मरा, और उसके आखिरी वक्त में उसके मुँह में पानी डालने के लिए पानी नहीं था, इसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। आपने, मैं आपकी जिम्मेदारी जो है वो दे रही हूँ आप लोगों को, कि अब ये पहला आज ये प्रोग्राम करके जा रहे हैं, बड़े शराफत के साथ करके जा रहे हैं हम लोग, और आगे शराफत से ही करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम गुंडागर्दी करेंगे, क्योंकि हमें अपनी हदूद व कयूद का अंदाज़ा है। लेकिन अगर यहाँ से इन एक्सीएन साहब को, जिनका नाम है रेहान तनवीर, और इनके जो सरपरस्ते आला हैं नासिर तनवीर साहब, एंटी वाटर बोर्ड साहब, जल्द मेरी आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। मैं जानती हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपके इल्म में बाज़ दफ़ा नहीं होती, और जैसे ही आपके वो इल्म में आती हैं आप फौरी तौर पे उसमें अमल दरामद करते हैं, इसके लिए सलाम है आपको असदुल्ला साहब, सलाम है आपको। इस समय मैं आपकी इस बात का मैं रिगार्ड आपको दे रही हूँ, और मैं साथ में आपसे कह रही हूँ कि जिस दिन आप ये मेरा प्रोग्राम जैसे ही देखें, फौरी तौर पर या तो मुझसे रब्ता कर लें, या फिर अगर बहुत अच्छा तो यह होगा कि फौरी तौर पे इस पर एक्शन लें। ये मैंने आपको दो कॉल्प्रेट्स का नाम यहाँ पे बताया, इन्वेस्टिगेट करना अब आपका काम है, लेकिन इस जगह पर पानी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, और यहाँ पर नुकसान जान का हो चुका है, एक जान का जो है ना वो समझ लेंगे, एक नुकसान जो है ना और वही बच्चे का वो हो चुका है। मैं साइमा कमल आपसे वादा करती हूँ, मैं बाकी जिन एरियाज में पानी नहीं आ रहा या इस तरह का जो कोई भी मसला है, खासतौर पर पानी का, अगर वहाँ पर नहीं आ रहा तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम उस जगह पर इसी तरीके से जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे अपडेट किया, और यहाँ पर हम लोग आ जाए हैं। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी इलाके से दोबारा आपको रिपोर्ट करेंगे, अगर काम अच्छा हो गया, पानी आ गया, तो थैंक यू के साथ करेंगे, वरना फिर इंशाल्लाह ताला जो है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक, ये हमारी आवाज है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आज हमारी आवाज है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, आने के बाद।